दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि बेन स्टॉक्स मुंबई इंडियंस की टीम में शामिल हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बेन स्टॉक्स ने लिया वनडे इंटरनेशनल से संन्यास, अब नहीं खेलेंगे बेन स्टॉक्स इंग्लैंड के लिए वनडे मैच। उसके बाद अब ये खिलाड़ी आईपीएल में मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ से खेलेंगे। इस बात का खुलासा करते हुए रोहित शर्मा और नीता अंबानी ने इन पर बड़ी घोषणा की है। और आखिरकार कैसे ये अब मुंबई इंडियंस की टीम में शामिल होने वाले हैं और इस पर नीता अंबानी और रोहित शर्मा ने किया बड़ा ऐलान, ये सब तो हम आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप बेन स्टॉक्स, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में से किसको महान बल्लेबाज मानते हैं, इसका जवाब नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इंग्लैंड को 2019 का वर्ल्ड कप चैंपियन बनाने वाले धाकड़ ऑलराउंडर बेन स्टॉक्स ने वनडे क्रिकेट से अचानक संन्यास ले लिया और हाल ही में इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बन गए 31 वर्ष के खिलाड़ी बेन स्टॉक्स ने डरहम के अपने होम ग्राउंड पर 19 जुलाई को करियर का आखिरी एक दिवसीय मुकाबला खेला। बेन स्टॉक्स ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा है कि वो मंगलवार को इंग्लैंड के लिए अपना आखिरी वनडे खेलेंगे। उन्होंने बताया कि ये फैसला मेरे लिए काफी कठिन रहा, मैंने अपने साथियों के साथ खेलने का हमेशा लुत्फ उठाया है। मैं ये बात स्वीकार करता हूँ कि इस फॉर्मेट में अपना 100% नहीं दे पा रहा हूँ। इंग्लैंड की जर्सी इससे कम कुछ भी डिजर्व नहीं करती है। सिर्फ ऐसा नहीं था कि मुझ पर वर्कलोड बढ़ रहा है, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी युवा की जगह खा रहा हूँ जो इंग्लैंड के लिए काफी कुछ योगदान कर सकता है। दोस्तों, इसके बाद सूत्रों के अनुसार खबर निकल कर सामने आ रही है कि बेन स्टॉक्स मुंबई इंडियंस की टीम में शामिल होने जा रहे हैं। इसका खुलासा खुद रोहित शर्मा और नीता अंबानी ने अपने बयान में किया है। सबसे पहले मुंबई इंडियंस की टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने इन पर बड़ा बयान जारी करते हुए कहा है कि बेन स्टॉक्स एक शानदार खिलाड़ी है, इन्होंने इंग्लैंड क्रिकेट के लिए बहुत कुछ किया है। बेन स्टॉक्स का रिटायरमेंट का फैसला सभी खिलाड़ियों के लिए हैरान कर देने वाला था। अब हमारी आईपीएल की टीम बेन स्टॉक्स को बतौर ऑलराउंडर हमारी टीम में शामिल करने की सोच रही है, क्योंकि हार्दिक पांड्या के जाने के बाद हमारी टीम का संतुलन बिगड़ गया है, जिसको बेन स्टॉक्स के आ जाने पर सही किया जा सकता है। इसलिए हमारी टीम इनको अपनी टीम में शामिल करने की पूरी कोशिश करेगी। इसके बाद मुंबई इंडियंस की टीम की मालकिन नीता अंबानी ने भी बेन स्टॉक्स के संन्यास पर बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने बताया कि बेन स्टॉक्स ने इंग्लैंड की टीम के लिए बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है, इसके साथ ही आईपीएल में बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हुए दिखा दिया है, जिसको देखते हुए हमारी टीम इनको अपनी टीम में शामिल करने के लिए बड़ी से बड़ी रकम देने को भी तैयार है। अगर बेन स्टॉक्स आईपीएल 2023 के लिए ऑक्शन में अपने आप को रखते हैं तो हम निश्चित रूप से ही हमारी टीम में बेन स्टॉक्स पर मोटी रकम खर्च करने के लिए तैयार है, क्योंकि इनके आ जाने से हमारी टीम में हार्दिक पांड्या की कमी पूरी की जा सकती है, इसलिए हम इन पर बड़ा दाव खेल सकते हैं। दोस्तों, ये थे बेन स्टॉक्स पर मुंबई इंडियंस की टीम के कप्तान रोहित शर्मा और मालिक नीता अंबानी के बड़े बड़े बयान। इनका मानना तो यह है कि 2023 के लिए बेन स्टॉक्स को अपने मुंबई इंडियंस में शामिल करेंगे, इसके लिए इनको कितनी मोटी रकम क्यों ना देनी पड़े। वैसे दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, आप हमें अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।